रेलवे स्टेशन के नजदीक देर रात अपनी गाड़ी में हूटर बजवाकर रौब दिखा रहे गाजियाबाद के भाजपा नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चेकिंग के दौरान पुलिस पर रौब बजवाने की खातिर बीजेपी का यह नेता पुलिस से भिड़ गया, जिस पर पुलिस के आला अधिकारियों ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश किया है। साथ ही आरोपी की गाड़ी को भी जब्त कर सीज कर दिया है। आपको बता दें कि दनकौर पुलिस बुधवार रात को चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान ग्रेनो के जमालपुर गांव निवासी राहुल भाटी कार से हूटर बजाते हुए गुजर रहा था। पुलिस कर्मियों ने उसे रोका, जिस पर आरोपी पुलिस कर्मियों पर भड़क गया, अपने आप को भाजपा नेता बताकर दारोगा और अन्य पुलिस कर्मियों पर रौब झाड़ना शुरू कर दिया। आरोप है कि जब पुलिस कर्मियों ने विरोध किया तो उसने अभद्रता कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हूटर का प्रयोग करने और मांगने पर दस्तावेज ना दिखाने पर जो है वाहन को सीज कर दिया गया। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि आरोपी राहुल भाटी शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था और तेज आवाज में हूटर बजवा रहा था। ग्रेटर नोएडा से आलिम बारसी की रिपोर्ट। थाना दनकौर क्षेत्र में दिनांक 4/5 की रात में चेकिंग की जा रही थी। उस चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट गाड़ी पकड़ी गई। गाड़ी राहुल भाटी नामक व्यक्ति चला रहे थे। राहुल भाटी इस गाड़ी में नशे की हालत में सवार थे, साथ में गाड़ी में ब्लैक फिल्म, सायरन और हूटर भी लगा था। इनके द्वारा पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। इस गाड़ी को पुलिस द्वारा सीज किया गया, साथ ही साथ राहुल भाटी खिलाफ 151 कार्रवाई करते हुए सक्षम न्यायालय के समक्ष राहुल भाटी को प्रस्तुत किया गया है।